इंडियन मॉम ऑन ड्यूटी चैनल के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे आप पाएंगे सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन। हैप्पी चिल्ड्रंस डे एवरीवन, एंड वो सारे छोटे छोटे बच्चे जो कि अपने मम्मी के साथ बैठकर मेरे वीडियोस को देखना पसंद करते हैं, तो आई रियली लव यू गाइस एंड हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू यू। एंड आज अनिका भी काफ़ी अच्छे से बनकर स्कूल गई है, क्योंकि उसके स्कूल में भी चिल्ड्रंस डे स्पेशल सेलिब्रेशन है। तो दोस्तों, ये तो आज के तरीके हो गए चिल्ड्रंस डे को मनाने के, पर हमारे ज़माने में क्या होता था, हम लोग किस तरह से अपना बचपन को एंजॉय करते थे, जीते थे, क्या आपको थोड़ा भी याद है? याद है तो याद करिए उन पलों को। तो कैसे लगा आपको अपने बचपन को याद करके? मेमोरीज फ्रेश हो गई राइट? मेरी तो काफ़ी फ्रेश हो गई। एंड चलिए आज के बच्चों के बचपन के बारे में बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि उनका बचपन कैसा है? अच्छा है, हमसे भी ज़्यादा अच्छा है, या हमसे भी ज़्यादा ख़राब है, कैसा है? मैं आपको कुछ मिनट देती हूँ, इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी सोच मेरे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे जानना है कि आप आज के बच्चों के बचपन के बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच कि आपने जो भी सोच मेरे साथ नीचे शेयर की है उन्हें मैं बाद में पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि मुझे भी जानना है कि आप क्या सोचते हैं। तो चलिए, एक बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी है विशाल मल्होत्रा, इन्हें आपने काफ़ी बार टीवी पर, मूवीज़ में काफ़ी बार देखा होगा। ये सारे इंडियन मॉम्स के लिए कुछ अच्छी चीज़ों को लेके आए हैं, कुछ अच्छी चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो चलिए, सबसे पहले इन्हें हम सुनेंगे। हेलो, नमस्ते, आदाब टू ऑल यू ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल खूबसूरत मॉम्स ऑन इंडिया, मॉम्स ऑन ड्यूटी। मेरा नाम विशाल मल्होत्रा है और सबसे पहले मैं किरण को बहुत ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहूँगा कि उनका जो YouTube चैनल है इतना कामयाब हो गया है, इतना पॉपुलर हो गया है। मैं खुद इसमें सब्सक्राइब करता हूँ एंड ऑफकोर्स माई वाइफ ऑल्सो। बहुत सारे टिप्स जो हैं वो बहुत ही यूज़फुल हैं जो लेडीज़ हैं हमारे देश के लिए। सो कंग्रेचुलेशंस किरण, ग्रेट जॉब टू यू। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, कल चिल्ड्रंस डे है, एक्चुअली आज चिल्ड्रंस डे है, डिपेंड्स ऑन व्हेन दिस वीडियो गोज अप, 14th November। मेरी एक बेटी है, 3.5 साल की है, नटखट है, बहुत प्यारी है, होशियार है, एनर्जी से भरपूर है, थैंक गॉड। आपकी भी बेटियाँ और बेटे ऐसे होंगे, बच्चे ऐसे होंगे, लेकिन मुझे याद है कि जब मैं बच्चा था तो लाल हो जाते थे मेरे कान, क्योंकि मेरे जो डैडी मम्मी थे मुझे बाहर खेलते खेलते ऐसे घसीट के घर में ले आते थे, क्योंकि मुझे अंदर आना ही नहीं था, मुझे खेलना था। आजकल कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, आजकल कान पकड़ के हमें उन्हें बाहर ले जाना पड़ता है, क्योंकि यू नो, आईपैड्स, टेलीफोन्स, मोबाइल्स, टैबलेट, इंटरनेट, टेलीविजन देख देख कर ये बच्चे बाहर ही नहीं जाते, खेलते नहीं हैं, और मेरे हिसाब से अपने ज़िंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा वो कहीं पर खो जा रहे हैं। इसकी वजह से बहुत ही सीरियस इश्यूज होते हैं, जैसे कि बच्चे मोटे हो जाते हैं, ओबेसिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, मेंटल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, हम बच्चों की बात कर रहे हैं, कैन यू इमेजिन। इसका एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है और ये एक इनिशिएटिव है जिसके साथ मैं बहुत जोरों से जुड़ा हूँ, ये मेरा इनिशिएटिव है। इसका जो इनिशिएटिव है इसका नाम है गेट आउट किड्स, यानी कि अपने बच्चों को आउट रखिए, प्ले कर लीजिए। लेकिन ये तो ठीक हो गया कि ये प्रॉब्लम है, ये हम समझ गए कि बाहर जाना चाहिए बच्चों को, कुछ करना चाहिए, लेकिन क्या करना चाहिए? तो इसका सोल्यूशन भी है हमारे पास, एक ऐप है जिसका नाम है फॉर बच्चे, फॉर बच्चे। ये आप अपने ऐप स्टोर या प्ले स्टोर, यहाँ पर भी एंड्रॉयड या एप्पल यूजर है वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। ये बेसिकली एक ऐप है जो आपको बताता है कि आपके बच्चों के लिए आपके शहर में क्या अवेलेबल है, वॉट इज देयर अवेलेबल फॉर योर किड्स इन योर सिटी, और उस पर आपको नहीं तो एब्सोल्युटली ये फ्री एक्टिविटी फ्री में मिल जाती है या डिस्काउंट मिल जाता है। इसमें हमारे लिए कोई पैसे वैसों की बात नहीं है, ये एक कॉज है, एक इनिशिएटिव है, क्योंकि बच्चों की आवाज़ आती नहीं है खेलते हुए, मतलब सब घर पे बैठे रहते हैं, वरना टीवी के सामने, आईपैड के सामने, पता नहीं क्या। तो प्लीज़, ये मेरी दरख्वास्त है आप सबको, किरण जी के वेबसाइट और किरण जी के सोशल मीडिया, यूट्यूब के द्वारा, कि प्लीज़ आप अपने बच्चों को बाहर ले जाइए, खेलिए कूदिए और अलग अलग एक्टिविटीज़ कीजिए। एंड
आपका नाम है फॉर बच्चे, FORBACCHE, और ये ऐप आपको बताता है कि व्हाट इज अवेलेबल फॉर योर किड्स इन योर सिटी, एंड उस पर आपको डेफिनेटली 100% नहीं तो एब्सोल्युटली फ्री, नहीं तो उस पर डिस्काउंट आपको मिलेगा। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप ये ऐप डाउनलोड कीजिएगा और इसे इस्तेमाल कीजिएगा, और इसके जो कमेंट्स हैं इसके बारे में मैं सुनना चाहूंगा, तो किरण जी के व्लॉग पर भी अगर वो परमिशन दे मैं उनके साथ आऊंगा, बातचीत करूंगा और उस वक्त हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल फॉर बच्चे इज द ऐप, प्लीज डाउनलोड इट, एंड थैंक यू सो मच टू किरण जी एंड टू ऑल द मॉम्स वॉचिंग दिस लवली लवली व्लॉग। गॉड ब्लेस यू, ठीक है। तो सबसे पहले मैं विशाल जी को थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगी कि आप हमारे बच्चों के लिए, आप हम इंडियन मॉम्स के लिए इतनी अच्छी चीज़ को लेके आए हैं, आप इस ऐप को लेके आए हैं फॉर बच्चे। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने भी इसे डाउनलोड कर लिया है, इसे एक्सप्लोर करना चालू कर दिया है, एंड मुझे ऐसे लग रहा है कि अब मेरी बेटी का जो भविष्य है वो काफ़ी सुरक्षित है, काफ़ी हेल्दी है, काफ़ी अच्छा है। मतलब ये चीज़ें मेरे दिमाग में अभी से आने लग गई है, और जब मैं इसे और डिटेल में यूज़ करूँगी तो आई थिंक कि मेरी जो सारी दिमाग में चल रही थी जो टेंशंस वो ख़त्म होने वाली है। एंड ऑल इंडियन मॉम्स को भी मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप भी इस ऐप को अभी जाइए, डाउनलोड करिए, इसे एक्सप्लोर करिए, ये कौन बच्चा है जो इतना चिल्ला रहा है। ओके, तो ये था मेरी सोसाइटी का एक बदमाश बच्चा जो चिल्ला रहा था, अभी वो चुप हो गया है। तो चलिए, मैं बता रही थी जिस तरह से कि आप इस ऐप को डाउनलोड करिए, इसका नाम है फॉर बच्चे, ये आपको बहुत ही आसानी से आपके ऐप स्टोर में मिल जाएगा, चाहे एंड्रॉयड हो या फिर एप्पल हो, फ्री है, इसे एक बार डाउनलोड करिए, इसे अच्छे से एक्सप्लोर करिए। अगर आपको पसंद आता है तो आप अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी इसके बारे में बता सकते हैं, एंड ये जो ऐप है हमें काफ़ी यूजफुल साबित होने वाला है फॉर श्योर, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे कुछ नया सीखेंगे, कुछ एक्टिविटी में बिजी रहेंगे, और उनकी वजह से हमें भी थोड़ा बहुत टाइम मिल जाएगा, जिसकी वजह से हम भी काफ़ी खुश रह सकेंगे। मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रही हूँ कि जी हाँ, ऐसा होता है जब बच्चे हमारे साथ पूरे टाइम रहते तो हम भी सोचते हैं यार ये बच्चे कुछ करते नहीं है, कुछ करते तो हमें भी थोड़ा सुकून मिलता, पर आई थिंक दिस ऐप विल गिव अस थोड़ा सा सुकून फॉर श्योर। तो दिस चिल्ड्रन डे आप जाइए और इस ऐप को डाउनलोड करिए, इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो विशाल जी, काफ़ी अच्छा लगा कि आपने इंटरेस्ट दिखाया है कि आप इंडियन मॉम ऑन ड्यूटी पर आकर इस ऐप के बारे में और भी बातें करना चाहते हैं, तो आप कभी भी आ सकते हैं, हम सभी मॉम्स को आपका इंतज़ार रहेगा, और साथ ही साथ हमें भी काफ़ी अच्छा लगेगा कि हमारे बच्चों का जो भविष्य है काफ़ी अच्छे रास्ते पर जा रहा है। सो जाइए, इस ऐप को डाउनलोड करिए, और आपके जो भी विचार है इस ऐप को लेके मेरे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में पक्का शेयर करिए, एंड थैंक यू सो मच विशाल जी अगेन। मैं आपको सारी सारी मॉम्स की तरफ से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने हम सब के लिए इतना अच्छा सोचा है, एंड ये सिर्फ हमारे बच्चों के लिए नहीं है चिल्ड्रंस डे गिफ्ट, ये हमारे लिए भी एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कोई भी आपके थॉट्स है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कहीं, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही देना है। ओके, सो टिल देन बाय, एंड प्लीज़ डाउनलोड द ऐप फॉर बच्चे।